हेलो फ्रेंड्स, के जे पटेल की चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पंजाबी रेसिपी यानी कि दाल मखनी। बहुत ही इजी और इंस्टेंट बन जाती है। अगर आप ये वीडियो देखकर बनाओगे तो 110% आपकी दाल मखनी ढाबा स्टाइल ही बनेगी। एक इतनी टेस्टी कि आप हर रोज यानी कि एवरी वीक में एक बार जरूर बनाओगे दाल मखनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 घंटे तक मैंने मूंग दाल को भिगो के रखा था और 1 कप मैंने दाल लिया था। अभी उसमें से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है और एक पैन में मैंने पानी गर्म करने रख दिया था और अच्छे से थोड़ा पानी गर्म हो जाए उसके बाद आपको ये दाल को ऐड करना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करिए और ढककर इसको धीमी आंच पर उसको बॉईल करिए। अगर आप इस तरह से दाल मखनी की जो दाल यानी आप बॉईल करोगे तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम टिपिकल पंजाबी दाल मखनी के जैसा ही आएगा। बॉईल होने में अगर आपने 6 घंटे तक दाल को भिगो के रखा है तो आपकी ये जो दाल है 1 घंटे लगते हैं बॉईल होने में धीमी आंच पर। मैंने ढककर धीमी आंच पर पकाया है तो मेरा 1 आवर तक मेरी दाल को बॉईल होने में लगा है, लेकिन सच्ची में मेरी ये जो दाल बनी है बहुत ही टेस्टी बनी है। अभी एक पैन में हम 2 चम्मच जितना देसी घी लेंगे। आप यहाँ पर बटर यूज़ नहीं करेंगे और तेल भी नहीं। स्वाद अनुसार गार्लिक ऐड करिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है गार्लिक तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना बारीक काट कर गार्लिक लिया है। दाल मखनी का जो टेस्ट है वो आप देसी घी में बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी मैंने यहाँ पर अदरक और ग्रीन हल्दी आती है वो ऐड किया है। अच्छे से इसको हम पहले सौते कर लेते हैं। आधी चम्मच जितना हींग ऐड करिए। वैसे तो पहले हींग ऐड करनी थी लेकिन मैं थोड़ा भूल गई थी इसलिए मैंने अभी हींग को ऐड किया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर प्यूरी बनाई है उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अभी अच्छे से इसको आप मसाले को यानी कि ये जो टमाटर की प्यूरी है उसको अच्छे से आप उबालो, यानी कि पूरा मतलब पानी जो रहता है उसमें वो पूरा जल जाना चाहिए और उसमें से ऑयल अलग से निकल कर आना चाहिए ऊपर। तब तक इसको अच्छे से पकाइएगा। और थोड़ा सा स्वाद अनुसार ही नमक ऐड करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो दाल हमने बॉईल करने रखी थी उस टाइम में भी हमने नमक ऐड किया था, तो अभी हमें ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से पानी जो है वो थोड़ा कम हो रहा है और हमारा जो ऑयल है वो छूटने लगा है। तो ये दाल मखनी की एक पहली टिप्स है। यहाँ पर जो हम फ्राई जब करते हैं ना ये मसाला को, तब हमें देसी घी ही यूज़ करना है, हमें बटर यूज़ नहीं करना है। बटर और क्रीम हमें लास्ट में यूज़ करना है, तभी इसका जो टिपिकल स्वाद जो आता है वो तभी आता है। अभी ये जो पूरा मसाला है यानी कि जो तड़का है ये पूरा, उसको हम ऐड करेंगे दाल के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं ना अभी अच्छे से तेल ऊपर आ गया है यानी कि पानी काफ़ी सारा जल गया है। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे दाल के अंदर। अभी दाल का जो कलर था वो पूरा चेंज हो जाएगा। आप खुद ये वीडियो देख कर जब बनाओगे ना तो आप खुद बोलोगे कि नहीं ये रेसिपी भी बहुत बढ़िया है। और इस तरह से अगर आप दाल मखनी बनाओगे ना तो 110% आपकी दाल मखनी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। अभी यहाँ पर एक दूसरी टिप्स है कि यहाँ पर आपको पानी ऐड करना है और पानी हमेशा आपको गर्म करके ही ऐड करना है। अगर ठंडा पानी आप ऐड करोगे तो आपकी दाल मखनी की जो टेस्ट है वो पूरा बिगड़ जाता है। जब उबलने हम रखते हैं उसी टाइम हम यहाँ पर बटर ऐड करेंगे ताकि बटर की जो फ्लेवर है वो अच्छे से अभी आएंगी। अगर हम पहले से ही बटर में अगर फ्राई करेंगे ना तो पूरा बटर हमारा जल जाता है, इसीलिए हमें बटर में इसको फ्राई नहीं करना रहता, बटर हमें लास्ट में ऐड करना है।
सबसे लास्ट में हमें कसूरी मेथी को ऐड करना है, इस तरह से बारीक उसका चूरा करके। तो ये थी हमारी तीसरी टिप्स। अभी इसको कम से कम एक घंटे के लिए हम इसको उबालेंगे, ताकि हमारी जो दाल है वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी। धीमी आंच पर आपको उबालने रख देना है। और ये दाल मखनी को आप नान या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारी ये दाल मखनी रेडी हो गई है खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने धीमी आंच पर ही पूरी दाल मखनी को उबाला है। तो आप देख सकते हैं ना कितना पूरा पानी, मतलब पूरा एक तपेली भर के मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया था यहाँ तक का। तो पूरा पानी आधा जल गया है और हमारी जो दाल मखनी है वो अभी रेडी है खाने के लिए। तो इस तरह से आप दाल को एक बाउल में निकालिएगा, फिर इसके ऊपर आप क्रीम या फिर बटर ऐड कर सकते हैं और चावल या फिर नान या रोटी के साथ मज़े से खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिएगा। तभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।